मनोज बाबू मो मन में प्रश्न ये आसुची आपण तो आपण को फिल्म को टेकिबे ठीक अछि आपण फिल्म करजुंदे आ कहबे कि फिल्म टी खराब होइछ कहबे एक्जेक्टली एक्जेक्टली किंतु मु एटे बुझवा पई चेष्टा करिवे आपण को थारो माइंड गेम केमती ओडिसा रो दर्शकन को आकृष्ट करिवो कोन पई ओडिया रो लोक माने हॉल को जिबे टंका देबे आ फिल्म देखिबे जे मु माइंड गेम देखिबा पई जिबे जेमती हेले देखिबे देखंतु मु बहुत दिन रो कहउछि जे आमे ओडिया लोक जदि 25% भी जदि राष्ट्रीय स्तर रो काम करिबा ताहेले आमको आम ओडिसा रो लोक माने ग्रेस मार्क देबे आपण वर्तमान देखु चंदी गोटे पुष्करा गोटे फिल्म चली छि लोक देखु चंदी ना नाही मु जदि कहिबि जे पुष्कर मु एबे भी कहू छि मु पुष्करा देखि नाही काली देखिबि बोली डिसाइड करि छि बिकॉज एते सब ये भितरे किंतु मु सुनु छि जे पुष्करा भलो हे छि तो सेहिति पई जदि आमे टिके भी भलो करिबा ना ताहेले हमर ओडिसा लोक ग्रेस मार्क देबे तो सेहि दृष्टि रु जेतोळ आपण माइंड गेम देखिबे ना प्रत्येक डिपार्टमेंट एक्टिंग टू आरंभ करी टेक्निकली साउंड डिजाइनिंग टू आरंभ करी बीजीएम टू आरंभ करी मेकअप सब डिपार्टमेंट रो काम गोटे राष्ट्रीय स्तर रो हेछि इवन माने जो माने कौन कहती ये अतुल एंड आमर समस्त जो चरित्र अच्छे आप विश्वास करिवनी एते रियलिस्टिक है जोटा कि ओडिया लोक को बहुत दिन रो दरकार थिला बहुत आम देखु फॉर एग्जांपल अतुल आसिले गोटे चरित्र कले जगह मुझे डब कर दे पारि थांती बिकज किंतु सी जो करते देखिए जाइए से कहते आमर ये देखते बहुत आईपीएस ऑफिसर अच्छा ओडिशा जो मैंने बाहर आसी था आने जो ओडिया कहते से जो खंडी ओडिया तार जो मजा अच्छे ना एक्जाक्टली अतुल से मजा कथा पचार अतुल जी अतुल जी मैं जानना चाहूंगा ओडिया में डब भी आपने किया है आपने बोला डब करने के लिए ये भी मनोज मिश्र जी का ऑर्डर था कि आप ही ओडिया में डब करोगे नहीं 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 मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि क्योंकि क्या है अगर मैं डब ना करूं तो वो मेरी आधी एक्टिंग हो जाती वो पूरी एक्टिंग नहीं होगा जी 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 और उड़िया हालांकि मैंने कभी फिल्म की नहीं थी और कभी बोली नहीं थी लेकिन मनोज पे मुझे पूरा भरोसा था और हम तकरीबन 4-5 दिन शायद 6 दिन डब कर रहे थे और मनोज हर लाइन के लिए साथ में खड़ा था और मुझे लगता है कि उसके बिना ये नहीं हो पाता क्योंकि मनोज उड़िया जानता है वो एक बात है लेकिन वो एक्टर है बहुत बढ़िया एक्टर है और एक एक्टर को डबिंग के लिए डायरेक्शन देने का काम एक एक्टर ही बढ़िया से कर सकता है जो उस भाषा को जानता है और सिर्फ उसकी वजह से मैं ये कर पाया जी। अतुल जी मैं जब यूट्यूब में अतुल कुलकर्णी लिख रहा था तो बहुत सारे पुराने इंटरव्यूज आ रहे थे आपके मराठी में आ रहे थे तो आप रीजनल सिनेमा के लिए कुछ करना चाहते हैं ये मुझे पता चला। मनोज मिश्रा भी यहां पे आके रीजनल सिनेमा के लिए कुछ करने के लिए चाहते हैं ये बोलते हैं मगर यहां पे लोग बहुत कुछ बोलते हैं बहुत कंट्रोवर्सी में रह जाते हैं यहां पे मनोज मिश्रा और कई कई लोग बोलते हैं कि ये तो ओडिया इंडस्ट्री का है भी नहीं। एक रीजनल सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ये मैं आपसे जानना चाहूंगा और माइंड गेम सच में एक रीजनल सिनेमा को आगे ले जाएगा क्या? देखिए मराठी जो मेरी मातृभाषा है मैंने उसकी जो जर्नी है रिवाइवल है मराठी रीजनल सिनेमा का वो उसका मैं एक हिस्सा हूँ बहुत करीबी हिस्सा हूँ क्योंकि एक 12-13-14 साल पहले ये पूरी जर्नी शुरू हो गई थी मराठी इंडस्ट्री में उससे बहुत पहले भी शांताराम जी वगैरह वगैरह हिंदी मराठी सिनेमा बहुत बड़ा था लेकिन बीच में कुछ खो सा गया था लेकिन ये जो रिवाइवल है मॉडर्न रिवाइवल ऑफ मराठी सिनेमा उसका मैं एक हिस्सा हूं और मैंने बहुत नजदीक से इसकी जर्नी देखी है और मैं ये मानता हूं कि जितने इंडस्ट्री के लोग जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार दर्शक होते हैं जी क्योंकि दर्शकों को थिएटर में जाकर जो अपनी भाषा है उसका सिनेमा अगर वो नहीं देखते हैं तो हम चाहे कितनी भी कोशिश करें वो फिर पूरी नहीं पड़ती जी 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 और मराठी सिनेमा में यही हुआ मेरी एक फिल्म आई थी नटरंग नाम की 2010 में 13 साल पहले जो मराठी में इतनी चली और वो शुरू शुरू का दौर था जब मैंने जो रिवाइवल कहा उसका एक शुरू शुरू का दौर था और वो एक अभी मनोज भी कह रहा था राष्ट्रीय स्तर पे जाना एक रीजनल फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पे जाना ये कौन करता है ये राष्ट्रीय ऑडियंस से पहले रीजनल ऑडियंस करता है रीजनल ऑडियंस फिल्म को इतनी बड़ी करता है कि राष्ट्रीय स्तर के ऑडियंस को उसका कॉग्निजेंस लेना पड़ता है कि भैया ये कौन सी फिल्म है अभी मैं सुन रहा हूं यहाँ पे मुंबई में बैठकर
दमन नाम की कोई फिल्म उड़िया भाषा में आई है, एक पुष्करा नाम की फिल्म, क्या अभी मनोज भी उसका जिक्र कर रहा था, तो ये फिल्म मैं इनके नाम क्यों सुन रहा हूं, क्योंकि उड़िया भाषा के लोग इस फिल्म को बड़ा बना रहे हैं। जी जी। और माइंड गेम जो है जो 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ही अटेम्प्ट है, जो अटेम्प्ट जितनी भी आप मनोज को कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल एक इंसान है, वो तो स्कूल में भी था, बड़ा शैतान था वहां पर भी, लेकिन उसकी जो सिंसिरिटी है उसका मैं आज भी उसकी सौगंध खा सकता हूं कि मनोज की जो सिंसिरिटी है उस पर्पस को लेके कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, तो माइंड गेम मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। इतनी अच्छी बढ़िया स्क्रिप्ट और इतनी अच्छी मेकिंग 6 अक्टूबर को लोगों को देखने मिल जाएगी थिएटर में। मेरे जो उड़िया ऑडियंस है, मेरा जो दोस्त है, जो फैंस हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका प्यार हमारी जो फिल्म है माइंड गेम, उसको जरूर 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 दीजिएगा, थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखिएगा। अगर आप इस फिल्म को बड़ा करेंगे, इस उड़िया फिल्म को बड़ा करेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पे इसको नोटिस करेंगे लोग। जी जी जी।